हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं काउंटर केसेज की। काउंटर केसेज में दोस्तों, मैंने आपको कई सारे ऐसे केस बताए हैं, कई सारे केस मैंने आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को बनाकर भी दिए हैं, जो कि जनरली ये कहा जा रहा था कि इस प्रकार के केस बन ही नहीं सकते, इस प्रकार के केस डल ही नहीं सकते। दोस्तों, जब हमारे देश में एक कानून बना हुआ है, अब सवाल सिर्फ इतना है कि उस कानून को कैसे लागू करना है। हम दोस्तों एक ही लाइन को खींचकर उसको फॉलो करते रहते हैं, इसीलिए ये समस्या आती है कि जिस धाराओं पर जनरली केस नहीं होते, तो आमतौर पर ये कह दिया जाता है कि इन धाराओं पर आपका केस दर्ज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने वीडियो में बताई। बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं, जिनके मैंने केसेस बना करके दिए, वो ये भी जानते हैं कि इस तरह के केसेस सरवाइव भी करते हैं और सामने वाले को इतने प्रेशर में भी ला देते हैं कि वो अपनी तरफ के सारे केसेस खत्म कर लेता है या फिर एक एमिकेबल सेटलमेंट पर आ जाता है। बहुत सारे मेरे पुराने क्लाइंट, मेरे ऐसे लोग जो कि पर्सनली मुझसे ये केस करवाए हैं, वो जानते हैं कि 20-20 लाख की डील हमने एक एक दो दो लाख रुपए में सेटल करके मामले को रफा दफा किया है। पर दोस्तों, ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप एक्शन मोड में आएंगे। यदि आप आराम से बैठे रहेंगे और यदि आप ये सोचते हैं कि समय के साथ अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा या आपके जीत जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप सोचिए दोस्तों, अगर एक डाइवोर्स का केस है, उसको आप जीत भी जाते हैं, तो जीत कर आप क्या ले लेंगे? आपको क्या मिल जाएगा? डाइवोर्स के अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन आपकी जो वाइफ है, उसके राइट्स डाइवोर्स के बाद भी मेंटेन रहेंगे। तो फिर क्या आपने पा लिया 8 साल 6 साल 7 साल मुकदमा लड़ने के बाद? मेंटेनेंस का केस, उसमें आप सभी जानते हैं कि लोअर कोर्ट जो है इंटरिम का ऑर्डर पास कर ही देती है, उसको आप नहीं रोक पाते हो। जनरली बहुत कम केसेज में ऐसा होता है जहां पर मेंटेनेंस ना हो, अदरवाइज लोअर कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर करती ही है। तो दोस्तों, अगर ऐसे में आपने 6 साल 7 साल 8 साल मेंटेनेंस का केस चलाया, तो क्या पा लिया? सेम यही सिचुएशन आपकी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है और यही सिचुएशन आपकी सेक्शन 498A ऑफ IPC में है। आप इतने साल केस लड़ते हैं, आपका एडवोकेट भी होता है, पैसे भी खर्च होते हैं, सारी चीजें करने के बाद आखिरी में रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप एक्शन मोड में नहीं है, तो यह आपकी गलतफहमी है कि आपको किसी भी प्रकार की रेमेडी मिलने वाली है। आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप एक्शन प्लान में आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जहां पर रेमेडी मिली है। बहुत समय से चलते हुए पुराने पुराने मुकदमे भी एक एमिकेबल सेटलमेंट के जरिए खत्म हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको कई सारे काउंटर केस करने के लिए कहा, वो सब आप कर सकते हैं। और आज मैं आपको ऐसे एक और काउंटर केस के बारे में बता रहा हूं, जिसके बारे में आप सब लोग वैसे तो जानते भी हैं, डिफेमेशन यानी मानहानि। मानहानि का केस कैसे किया जाता है, इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बनाई है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इसके दूसरे पहलू को छूने वाला हूं और साथ ही आपको बताने वाला हूं कि मानहानि का केस कब कब आप कर सकते हैं, कब कब नहीं कर सकते हैं। और यदि आपकी वाइफ या हस्बैंड एडल्ट्री में रह रहे हैं और आप ये एडल्ट्री साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसे में आप उसके ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं, तो किस स्टेज पे कर सकते हैं? करने के आपको क्या नुकसान और क्या फायदे पहुंचेंगे? सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं इस बात को। बहुत सारे आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी मुझे कॉल आई है, या ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कॉल ना आई हो, बट इस चैनल को देख रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका पार्टनर एडल्ट्री में है, वाइफ या हस्बैंड किसी और के साथ इंगेज हैं, लगे हुए हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे केस में सामने वाले पार्टनर के साथ मुसीबत हो जाती है, और अगर सामने वाला पार्टनर लॉयल है, तो वो इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे में दोस्तों, कई बार होता है कि आपको पता होता है कि जो आपकी वाइफ है या जो आपका हस्बैंड है, वो किसी और के साथ है, और साथ ही साथ आपके पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी होती है, साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होता है कि वो उससे मिलने जाता है, रात को बात करता है, या फिर उसके साथ एक जगह पर रहता है, ये सब मालूम होता है। और कई बार तो आप उसके उस पार्टनर के साथ बात भी कर चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार वो लोग बेशर्मी की इंतहा कर देते हैं, मतलब कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी और के साथ रह रहे हैं, और वो लोग इस रिलेशन को छुपाने के बजाय अपने पार्टनर के मुंह पे बोलते हैं कि हम उनके साथ रिलेशन में रह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में उनके पार्टनर पर क्या गुजरती है, वो सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। अब समस्या ये है कि चलो, इमोशनली तो उन्होंने उनको खत्म कर ही दिया, अब अगर वो इसका कंपनसेशन लेना चाहें, इस चीज के लिए कोई राहत चाहें, इस चीज के लिए कोई रिलीफ चाहें, तो उनको क्या करना है?
तो दोस्तों ऐसे केस में डिफेमेशन का केस होता है, डिफेमेशन केस को आप फाइल कर सकते हो, लेकिन इसको फाइल करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि डिफेमेशन का केस भी दो तरीके से होता है। पहला जो होता है वो क्रिमिनल डिफेमेशन होती है सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी में, जहां पर जिस व्यक्ति ने आपको डिफेम किया है, जिस व्यक्ति ने आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, उसको आप जेल की हवा खिला सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी सिविल डिफेमेशन होता है, यानी कि आपकी वाइफ या हस्बैंड की तरफ से और उनका जिसके साथ अफेयर है उसकी वजह से आपको डिफेमेशन हुई, आपको सोसाइटी में शर्मसार होना पड़ा, आपकी इज्जत गई, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई, आपके व्यवसाय पे फर्क पड़ा, आपका सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया, सोसाइटी में आपका नाम खराब हुआ, इट मींस आपकी रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा को एक बहुत भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका कंपनसेशन आप अपनी वाइफ या हस्बैंड से और उस व्यक्ति से जिसके साथ उनका अफेयर है मांग सकते हैं। कैसे मांग सकते हैं? आप उसके लिए डिफेमेशन का केस सिविल में फाइल करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से आपको डैमेज हुआ है। इस पर दोस्तों मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, और मैं चाहूंगा कि आप और अच्छी जानकारी के लिए उस वीडियो को भी देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो दे दूंगा, अब वहां जाकर उस वीडियो को देखकर इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सिविल सूट होता है, ये जब आप सामने वाले पे फाइल कर देते हैं और इसमें एक हैवी कंपनसेशन की डिमांड उससे कर देते हैं, यानी कि आपने कह दिया कि आपकी रेपुटेशन को इतना नुकसान हुआ है कि आप 20 लाख रुपए का कंपनसेशन मांगते हैं, तो सामने वाले पर दोस्तों जब ये 20 लाख रुपए का प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बेंड होगा, कहीं ना कहीं झुकेगा, कहीं ना कहीं चाहेगा कि मामला खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स तो हैं, आपके पास उसके स्क्रीनशॉट भी हो सकते हैं, आपके पास और कोई जानकारी, फोन लोकेशन और भी बहुत सारे सबूत हो सकते हैं। तो ऐसे में जस्ट आपको वो सबूत कोर्ट के अंदर पेश करने हैं डैमेजेस के लिए, क्योंकि वहां जस्ट आपको ये प्रूफ करना है कि आपको उसकी वजह से डैमेज हुआ, डिफेमेशन आपकी हुई, केवल इतना ही। लेकिन फैमिली कोर्ट में आपको ये प्रूफ करना होता है सामने वाला एडल्ट्री में रह रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पे बात नहीं बन पाती है। लेकिन सिविल सूट में चूंकि आपने सूट ही इस वजह से फाइल किया है कि आपको नुकसान हुआ है, तो जस्ट आपको ये प्रूफ करना है कि सामने वाले की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, और वो आप साबित कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारे सबूत हैं। तो दोस्तों सामने वाले पे इतना प्रेशर आ जाएगा, और ये तो मैंने 20 लाख का एग्जांपल दिया, आप 50 लाख भी इसको कर सकते हैं और 1 करोड़ भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस एंड बिजनेस आपको ये चीज डालनी है। ऐसा भी नहीं है कि आप एक सरकारी नौकरी में रहते हैं, आपकी 50,000 रुपए सैलरी है और आप जो है 2 करोड़ का कंपनसेशन डाल दें, तो इस तरह का इलॉजिकल काम भी आपको नहीं करना है। अपनी सैलरी, अपनी रेपुटेशन के हिसाब से आपको ये अमाउंट तय करनी है। यदि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं, तो ऑब्वियसली ये अमाउंट करोड़ों में होगी, और यदि आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली फिर ये अमाउंट आपकी 40 लाख 50 लाख तक हो सकती है। और यदि आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और वहां से आपको बहुत मिनिमम सैलरी यानी कि 30-40-50,000 के बीच में सैलरी मिलती है, तो ऐसे केस में ये अमाउंट आप 20 लाख तक ही रखिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है, आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक रीजनेबल अमाउंट रखेंगे तो कोर्ट उसको मानेगा, यदि अनरीजनेबल होगा तो सामने वाले का वकील उसी पॉइंट पे आपको बार बार पिन करेगा कि ये इसने गलत लिखा है, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए रीजनेबल अमाउंट आपको उसमें डालनी है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, क्योंकि मैं अपने वीडियो में चाहता हूं कि प्रैक्टिकल चीज हो, ये ना हो कि मेरा वीडियो देखने के बाद कोई जोश में आवेश में आके एकदम से कदम ले ले, सोच विचार के कदम लेना है। इसलिए दोस्तों देखिए, जो क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला होता है वो तो आप जब चाहें जैसे चाहें फाइल कर सकते हैं, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता है, केवल आपके एडवोकेट की फीस होती है, वो आपको उनको देनी है, वो फाइल कर देंगे। लेकिन जो सिविल डिफेमेशन का केस होता है दोस्तों, इसमें जो कंपनसेशन आप मांगते हैं उस कंपनसेशन पर आपको कोर्ट फीस भी पे करनी होती है, जो कि काफी हैवी होती है। तो दोस्तों अगर आप 20 लाख का कंपनसेशन मांगते हो तो उसमें पर्टिकुलर परसेंटेज आपकी कोर्ट फीस का होगा, तो जाहिर सी बात है यदि 50 लाख आपने कंपनसेशन कर दिया तो उसका परसेंटेज कैलकुलेट होगा, तो वो अमाउंट कई लाखों रुपए में बैठेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जितना बजट हो उसके अनुसार ही आपको सिविल डिफेमेशन में जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आवेश में आकर आपने बहुत ज्यादा अमाउंट दिखा दी। और यदि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तब तो आप मैक्सिमम अमाउंट पे जाइए, आपकी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग जो भी मैक्सिमम अमाउंट होती है उस अमाउंट को वहां पर डालिए, भले आपकी कोर्ट फीस जरूर लगेगी लेकिन सामने वाला स्टक हो जाएगा उस पूरे मामले के अंदर, और वो व्यक्ति जिस पर आप कोई मुकदमा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सेक्शन 497 हट चुका है, एडल्ट्री हट चुकी है, तो उस पर आप बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं कि उसने आपका पूरा घर बर्बाद कर दिया, आपके सामने घर बर्बाद कर रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में, इस डिफेमेशन के केस में यानी सिविल डिफेमेशन के केस में, उस पर अच्छा खासा कंपनसेशन आप डालिए ताकि वो देने को मजबूर हो जाए, और कंपनसेशन तो देगा ही, इसके साथ साथ जो मुकदमे का प्रेशर झेलेगा, पूरा ट्रायल झेलेगा, वो अलग होगा। तो दोस्तों ये मेरी आज की लीगल जानकारी आप सबको।
ऐसी ही और लीगल जानकारी मैं आपके लिए समय समय पर लाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।